नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत सिंपल सी रेसिपी जो गोभी और आलू की रेसिपी है। तो इसके लिए मैंने छोटे छोटे गोभी ऐसे क्यूब्स में कट कर लिए हैं, इसे बॉईल करने रखना है। मैंने एक आलू लिया हुआ है, चिमनी भी डालना है। तो ये मेरे पास फ्रोजन चिमनी है जिसे मैंने पानी में सोक कर लिया है। फ्रेंड्स, अब मैंने गोभी को है ना गैस पे रखा हुआ है, मीडियम आंच पे है। हमने ना थोड़ा सा इतना सा नमक लिया है, इसे हल्का सा नमक डाल दिया है। और फ्रेंड्स, अब हमने प्याज लिया हुआ है, राई का तेल डालना है। गाइस, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, मैं इसमें डालूंगी जीरा। डाल देंगे थोड़ा सा टमाटो। तो इसमें मैंने पहले डालना है हल्दी, इसमें धनिया पाउडर ही थोड़ा ज्यादा डालिएगा क्योंकि धनिया पाउडर का ही इसमें फ्लेवर आएगा। और इसमें हल्का सा लाल मिर्ची पाउडर, एक बार इसे चला ले अच्छे से, हल्का सा पानी जैसे हाथ में लेते हुए ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे। एकदम स्लो फ्लेम पे है, अब इसे हम 5 मिनट्स और पकाते हैं। 5 मिनट्स लेटर गाइस, 5 टू 8 मिनट्स हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम इसे बंद कर देंगे। इसमें हम गार्निश कर देते हैं धनिया से, प्लेटिंग कर लेंगे। बहुत परफेक्ट बनी है गाइस, आप भी इसे एक बार ट्राई करिएगा। आपको कैसा लगे प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो मी शनाया साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और खाने पे जरूर आइएगा।